हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बजने वाला है और अभी मैं मॉर्निंग वॉक हो गया हमारा। अभी दोस्तों चलते हैं घर पे, माल सरियाएंगे। और दोस्तों आया हुआ था तो वो पुल के पास बैठा हुआ था तो आम एक मिला है, चलते हैं सरवन को दे देंगे। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं घर पे, माल सरियाएंगे। और दोस्तों सुबह सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना लगता है, तो हवा मस्त चल रहा है और मीठा मीठा धूप है। तो चलिए चलते हैं घर पे, माल सरियाएंगे। घर पे पहुंच गया दोस्तों, अभी चलते हैं सरियाते हैं माल को। तो चलिए, अभी 6 बज चुका है, लाइट भी कटा हुआ है, तो चलते हैं सरियाते हैं। जो इसमें कम है सो डालेंगे, और गमछा भी सरियाना है, जैसे इधर उधर हो गया है, झोला मेरा भी सरियाना है। तो सारे को सरिया करके रेडी होते हैं। चलिए दोस्तों, हमने सारे माल को सरिया लिया, देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और आ जाए ना, पूरा तरह से भरपूर माल है इसमें, कैरेट में भी और झोला में भी और गमछा में भी, तो पूरी तरह से भरपूर माल है। अच्छा सरिया विया लिया, कंप्लीट हो गया, टाइम 7:30 हो गया है दोस्तों। स्टॉक में हमारा इतना माल बचा हुआ है, तो चलते हैं। अभी गर्मी भी काफ़ी है, जैसे पसीना आ गया सरिया। तो बाहर का व्यू दिखाते हैं किस तरह का धूप है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, 7:30 हो रहा है, अभी चलते हैं स्नान ब्रश करके। और फिर खाली दोस्तों भी आ गया छत पे, और देख सकते हैं इधर तिलौरी पड़ा हुआ है चावल का कलर कर करके। तो अभी दोस्तों चलते हैं, और ये तौलिया यहाँ रखते हैं, मोटर चालू कर दिया हूँ, तो अभी पानी भर लेते हैं कटरा में, इसलिए पानी भरेंगे। देख सकते हैं पानी आ चुका है, पानी भर लेते हैं दोस्तों। बाल्टी में भर गया दोस्तों, इसमें फूटा हुआ है तो यहीं पतले भरे हैं, और कचरा भर लेते हैं। खाली दोस्तों, अभी मैं स्नान स्नान करके पूजा वजा करके रेडी हो चुका हूँ, और चलते हैं दोस्तों खाना खाते हैं, उसके बाद में माल लोड करेंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, अलमारी बंद करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों खाना भी आ चुका है, तो खाना खाते हैं। देख सकते हैं आलू लौका की सब्जी है, चावल है, तो खाना खा लेते, उसके बाद में सामान लोड करेंगे फिर चलेंगे। 8:20 हो रहा है, तो खाना ना खा के लगभग 9:45 बजे चलेंगे। चलिए खाना खाते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। दोस्तों अभी मैं खाना ना खा लिया, और अभी सामान भी लोड कर लिया हूँ, देख सकते हैं। और दोस्तों चलते हैं, काफ़ी गर्मी है, देख सकते हैं सामान लोड करने में ही इतना पसीना निकल गया, गर्मी काफ़ी। चलते हैं दोस्तों, टाइम अभी 10 बज चुका है, 1 घंटा समय लगा है अपना गांव में ही, और 650 तक सेल हो चुका है। और दोस्तों चलते हैं फिलहाल अगले गांव में, अगला गांव जो है ना दादन चक है, दादा चक के, और फिर मिलते हैं। बोनी अच्छा हुआ है और रेट भी सही रेट से सेल हुआ है। चलिए चलते हैं और दादन चक घूम के फिर मिलते हैं। दादन चक गाँव घूम लिया, दादन चक में लगभग 200 का सेल हुआ है, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, लगभग 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा समय लगा, और मात्र 200 का ही सेल हो पाया है, 200 से कम ही है। और एक आदमी जो है ना लगभग 500 का सामान, 650-600 का सामान लिया है, 100 रुपये उसको कम करके 500 में देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो उसको 450 रुपया देने के लिए वो तैयार था, इसलिए नहीं दिए हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा था, 100 रुपया भी नहीं बच रहा था, मात्र 50-60 रुपया बच रहा था, इसके लिए नहीं दिए। 500 का सामान बेचेगा कम से कम 100-125 नहीं होगा प्रॉफिट, क्यों बेचेगा, इसके लिए हमने नहीं दिया है। और जिस रेट में नहीं बेचता था उस रेट में उसको देने के लिए तैयार हो गया, फिर भी नहीं दे रहा था, दिया है। चलिए अभी फिलहाल चलते हैं, मेरा गाँव जो है ना अभी चलते हैं ससौला चौक पर, सोना लेना है, और शाम को क्या हुआ था, पर्ची लेकर नहीं गया हुआ था, नहीं दिया, अभी चलते हैं पर्ची लेकर जा रहे हैं, तो सोना ले लेंगे और फिर चलेंगे फेरी करने। फिलहाल दोस्तों चलते हैं सोना दुकान पे, मिलते हैं दुकान पे आ गया, वहाँ पर पहले आ गया, देख सकते हैं, और अभी चलते हैं ले लेते हैं, और यही पर्ची है भैया निकाल रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। हाँ हाँ वही में भाई अब वही ना भले आला दोस्तों अभी ले लिया अभी और करते हैं और फिर समय से अभी किधर जा पाते हैं। दोस्तों अभी ससौला गांव घुमा मुसहारी टोला तो कुर्ती लेगी ओढ़नी और गमछा उमछा मिला उला करके 450 का सेल हुआ है। और दोस्तों अभी चलते हैं फिलहाल अगला गांव मधुरापुर की तरफ, मधुरा गांव घूम करके और फिर मिलते हैं। दोस्तों टाइम 1 बज चुका है। दोस्तों टाइम अभी हो गया है लगभग 4:15 बज चुका है, लगभग 3 घंटा समय लग गया है मधुरापुर में ही। और सेल की बात करें तो सेल दोस्तों लगभग 500 के आसपास तक सेल हुआ है। फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं गोसाईपुर, गोसाईपुर तक घूम लिए हैं, मधुरापुर भी घूम लिए और अभी चलते हैं इधर बिशुनपुर की तरफ चलते हैं। चलिए बिशुनपुर घूम करके फिर मिलते हैं। पिछला गाँव जो है ना कोरियार और बिशुनपुर दोनों था तो दोनों गाँव घूमे हैं। अभी सिंहपुर में एगो टोला घूमे, एगो टोला घूमना बाकी है तो अभी चलते हैं और बिशुनपुर गांव वो वाला टोला घूम लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे ससौला की तरफ फिर, क्योंकि दोस्तों 1 घंटा समय है तो बिशुनपुर घूम के ससौला की तरफ चलेंगे। चलते हैं, इस गांव में सेल हुआ है ठीक ठाक। तो बिशुनपुर पुरवारी टोला भी घूम लिया और दोस्तों अभी चलते सीधे घर की तरफ क्योंकि टाइम 6:30 हो गया है, तो चलते हैं सीधे घर की तरफ। सेल दोस्तों आज भी मस्त हुआ है। फिलहाल दोस्तों अभी नाश्ता भी नहीं किए हैं पूरे दिन में एक बार, तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल नाश्ता करते हैं। नाश्ता नहीं किए हैं अभी, सारा दाढ़ी बनवाते हैं, शेविंग बनवाते हैं, इधर हमारा गाड़ी लगा हुआ है देख सकते हैं तो दाढ़ी बनवा के फिर। तो दोस्तों हो गया, दाढ़ी बना लिया और अभी चलते हैं। दोस्तों अभी होली पड़ रहा है देख सकते हैं। हाँ दोस्तों अभी आ गया घर, अब घर आ करके माल सारे उतार लिया हूँ और अभी देख सकते हैं नाश्ता नहीं किया था तो यही लाया हूँ तो यही खा रहे हैं, ये खाते हैं और खाना भी आ रहा है तो खाएंगे खाना भी। तो खाना भी आ गया है, खाना खा रहे हैं, लौका का सब्जी है, चावल है, चलिए खाना खा लेते हैं।